हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडे ऑनलाइन क्लास। वी आर गोइंग टू टुडे डिस्कस अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज चैप्टर 9। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। चैप्टर 9 है तो क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी कोविड-19 की वजह से कुछ चैप्टर आपका कम हुआ है, चैप्टर नंबर 4 and 5 and 15 जो आपको बुक में सेंड कर दूंगा। बट आज हम पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास। तो क्लास है, क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को पढ़ने से पहले हम डेटा टाइप को पढ़ते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज देयर आर थ्री टाइप्स, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। तो प्री डिफाइंड जो होते हैं वो इंटीजर, वेक्टर, फ्लोट, वॉइड, साइन, अनसाइन, ये सारे क्या होते हैं आपके प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड डेटा टाइप कौन से होते हैं आपके, एरे, फंक्शन, रेफरेंस, पॉइंटर, ये सब क्या होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। एक होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में तो फर्स्ट आपका जो डेटा आता है वो आता है क्लास। तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस को अगर हम डिफरेंट देखें कि डिफरेंस उसमें करें तो जो क्लास एक ऐसा डेटा टाइप है तो वो उन दोनों को क्या करता है, डिफरेंट करता है। सी लैंग्वेज में क्लास का यूज नहीं होता बट सी प्लस प्लस में क्लास का यूज होता है। क्यों, देखिए समझने की कोशिश करके। अगर सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में कुछ डेटा और फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई क्लास नहीं होती। और जब कोई क्लास किसी की नहीं होगी तो कोई भी डेटा किसी भी क्लास में जाके या कहीं भी जा सकता है, वो मूव हो सकता है। और जब कहीं का भी मर्जी से कहीं चला जाएगा, जैसे क्लास स्कूल की बात कर लेते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट है वो किसी क्लास में जाकर बैठेंगे, कहीं भी घूमेंगे, तब उनका जो रिजल्ट आएगा वो अपने अकॉर्डिंग ही है। बट जब किसी स्टूडेंट क्लास होगी तो क्लास अभी डेटा और फंक्शन को हमें क्लास में रखेंगे तो जो बाहर की जो नजरअंदाजी है, जो आउटसाइड का जो एनवायरमेंट है उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं और आपका रिजल्ट भी आएगा परफेक्ट होगा। तो क्लास क्या है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब इन मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस को हम डिवाइड करते हैं इन फोर टाइप, ठीक है। इनको इनका एक एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करते हैं। तो देखिए मैं आप इनका एक स्ट्रक्चर आपको बताता हूं कि क्लास को जब C++ लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो क्लास का जब हम यूज करेंगे C++ में तो C++ लैंग्वेज है, जैसे कि आपको पता है कि ये बॉटम टू टॉप काम करती है। कैसे काम करती है, बॉटम टू टॉप। और सी लैंग्वेज काम करती है टॉप टू बॉटम, यानी कि सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम इंटीजर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, फिर कुछ स्टेटमेंट लिख लिए, कुछ कंडीशन लगा दी और उसका आउटपुट आ गया, यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये प्रोसेस होती है सी लैंग्वेज में। पर सी प्लस प्लस में हम कैसे करेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर सबसे पहले हम जो यूजर के द्वारा जो डिफाइंड डेटा टाइप है उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सी प्लस प्लस में क्या है, सी लैंग्वेज में क्या होता था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, ये सब हमने यूज कर लिए। बट सी प्लस प्लस में इनके साथ में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी यूज करना है। कैसे, यानी कि यूजर अपने द्वारा डेटा टाइप को क्रिएट करेगा फिर बनाएगा। तो क्लास इसके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ में ये हो सकते हैं, क्लास के कॉम्बिनेशन को वेरियस डेटा टाइप, यानी विभिन्न प्रकार के डेटा का क्या है समूह है। इसमें इंटीजर भी हो सकता है, इसमें कैरेक्टर भी हो सकता है, इसमें फ्लोट भी।
देखिए इसका एग्जांपल देते हैं क्लास, और अब यहां पर क्लास का कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहां पर नाम देता हूं एबीसी, तो एबीसी इज ए क्लास। जैसे मैं लिखता हूं इंटीजर i, ठीक है, तो i इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, वैसे एबीसी इज ए क्लास, ठीक है, इस टाइप की क्लास रहती है। एबीसी क्या है, क्लास का नाम है, एबीसी क्या है, एक क्लास का नाम है। तो यहां पर एबीसी है तो इसको हम नाम देते हैं ए, ये क्या है, ए है। अब इस क्लास के अंदर क्या होगा, क्लास के अंदर क्या होगा, क्लास के मेंबर होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं क्लास के फ्रूट, फ्रूट एक क्लास है, और फ्रूट क्लास में उसके एग्जांपल क्या होते हैं, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, तो जो फ्रूट्स के नेम है उनको सबको एक जगह रखते हैं, उनका ही नाम देते हैं फ्रूट। तो फ्रूट क्लास के अंदर उसके क्या आगे सारे ऑब्जेक्ट, वैसे फर्नीचर एक क्लास है, तो फर्नीचर क्लास है तो उसके मेंबर कौन कौन होंगे, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, ये सब क्या होगा उसके मेंबर। वैसे व्हीकल, व्हीकल एक क्लास है तो उसके मेंबर क्या होंगे, आपकी कार, जीप, शिप, है ना, ट्रेन, प्लेन, ये व्हीकल के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये अपर क्लास है, तो टॉप क्लास के स्टूडेंट कौन होंगे, जैसे आप बच्चों का नाम रख सकता, ठीक है, वो क्या हो गया आपके टॉप क्लास के एग्जांपल हो गए, और वो एग्जांपल क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जब हम क्लास बना लेते हैं, वी कैन क्रिएट ए क्लास देन मेनी ऑब्जेक्ट्स, देन उसके कई ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, एक क्लास मान लो उसके कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वैसे एबीसी क्लास मान लो उसके कई ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करता हूं, देखिए क्लास फिर यहां से एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता है, ये ब्रैकेट का जो सेंटेंस स्टार्ट होगा इसके अंदर हम कई इसके मेंबर्स लिखते हैं। तो मैं एक मेंबर लिखता हूं इंटीजर आई, तो इंटीजर आई क्या है, एक वेरिएबल है, बट मैंने इस एबीसी क्लास में लिखा है तब ये क्या बन गया, मेंबर वेरिएबल। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं मेंबर वेरिएबल, ये इसका मेंबर वेरिएबल हो गया। अब देखो जब एक क्लास एक मेंबर में एक दूसरा मेंबर बनाता हूं मैं यहां पर इंटीजर ए, ये दूसरा मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, मेंबर वेरिएबल और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। अब आप सब स्टूडेंट स्कूल के बाहर क्या हो स्टूडेंट, बट इस क्लास में बैठे तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो वैसे ये वेरिएबल है। अब मेंबर का बनता है एबीसी के अंदर इसको लिखकर ले होता है। अब क्लास को किसी भी क्लास को हम फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लास से कितने भाग हो सकते हैं, फोर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका कोई भी नाम नहीं देते, इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। एक दूसरा पार्ट है उसका हम नाम देते हैं प्राइवेट, प्राइवेट, और ये जो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं इनको बोलते हैं जो प्राइवेट लिखा है। थर्ड पार्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पब्लिक, और पब्लिक के अंदर भी कुछ मेंबर वेरिएबल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कैरेक्टर सी, और एक एक इसका पार्ट आता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, और इसके अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं टी। अब देखो इस क्लास को लास्ट में जो ब्रैकेट यूज किया है इसके बाद में मैंने सेमीकोलन लगाया, तो ये कह सकते हैं कि क्लास टर्मिनेट विद सेमीकोलन, क्लास किससे टर्मिनेट होगी, सेमीकोलन से, तो एक क्लास यहां से बनके तैयार हो गई, ये एक डेटा टाइप मैंने बनाया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस क्लास को समझते हैं, इस क्लास के कितने पार्ट हैं, फोर पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि एक ए पार्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार पार्ट मैंने यहाँ पर बनाए। अब ये जो है प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इनको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है क्लास के मॉडिफायर को समझो, क्लास मॉडिफाइड,
तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, उनको देखो समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट यानी कि पार्ट नंबर टू। अब जो प्राइवेट जो पार्ट होता है इसका, इसको जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है इंटीजर ए, ठीक है। अब ये जो इंटीजर ए है ये इसका प्राइवेट के अंदर लिखा हुआ ना, तो ये जो इंटीजर क्या बन गया, प्राइवेट टाइप का मेमोरी वेरिएबल बन गया। और प्राइवेट टाइप का बन जाता है तब वी कांट एक्सेसिबल आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो प्राइवेट होता है वो क्लास के अंदर ही होता है, उसको बाहर आप यूज नहीं कर सकते। कांट एक्सेसिबल आउट ऑफ द क्लास टू प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। अब मेंबर वेरिएबल क्या है, आप इंटीजर ए, चलो मैं क्लास के बाहर यूज करता हूं, इस ए की वैल्यू मैं यहां पर 10 देता हूं। तो ए इज अ वेरिएबल किस टाइप का है, प्राइवेट है ना। अब प्राइवेट होगा तो क्लास के बाहर कांट एक्सेसिबल, इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर भी नहीं कर सकते ना। तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इस तरीके का आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आगे से बात करते हैं बिना नाम वाले। तो देखो अब यहाँ तो इस ए को तो हमने इस प्राइवेट के बाद में लिखाया, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब ये पहले से क्या है, प्राइवेट है। बट ये इंटीजर ए, इंटीजर आई है, ये किस टाइप का है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, क्या है, कौन सा है, ठीक है। तो जिसका एक्सेस मॉडिफाइड नहीं होता है, ध्यान देना, इसका एक्सेस मॉडिफाइड नहीं होता है कि बिना नाम पता है, उसको हम बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में ही इंक्लूड करते हैं। तो इसका एक्सेस मॉडिफाइड भी क्या हो गया, प्राइवेट। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाइड। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब स्वतः ही अपने आप ही क्या बन जाता है, प्राइवेट। तो मैं प्राइवेट होता है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैं यहां लिखता हूं इंटीजर के, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड। अब चलते हैं पब्लिक पर। अब पब्लिक के अंदर क्या है, कैरेक्टर सी। तो कैरेक्टर सी जो वेरिएबल है ये वेरिएबल है, और वेरिएबल किस टाइप का है, पब्लिक है। पब्लिक को हम क्लास के बाहर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सी की वैल्यू देना चाहूँ ए, तो कैरेक्टर है तो इसके कैरेक्टर ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू क्या देता हूँ, ए देता हूँ, दैट इज वैलिड, ये क्या है, वैलिड। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल आउट ऑफ द क्लास, यानी कि जो प्रोटेक्टेड है ये भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इसका यूज किया फिर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है, तो इसको क्लास के आउटसाइड में यूज नहीं कर सकते हो, बट एक प्रोग्राम में एक ही क्लास थोड़ी हो सकती है, कई क्लास हो सकती है, एक स्कूल में कई क्लास हो सकती है। वैसे एक प्रोग्राम के अंदर क्लास ए बी सी है, क्लास एक्स वाई जेड है, क्लास और भी हो सकती है। तो उस क्लास में यानी कि किसी दूसरी क्लास में आप इस प्रोटेक्टेड के अंदर जो लिखा गया मेंबर है वो यूज कर सकते हैं, इसके मेंबर को आप किसी दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, बट क्लास के आउटसाइड में यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी की वैल्यू 10,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा क्लास के आउटसाइड। तो क्लास के बाहर किसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिक को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके ये आपका एक मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बताया, क्लास होती है, क्लास के अंदर ये सारे जो अभी मैंने यूज किए, यहाँ पर मैंने फंक्शन का यूज किया है, सीधा सीधा मेंबर वेरिएबल का यूज करके मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो बताओ कि ये चीज आपके समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चले, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। क्लास तो आगे से, अब ये टॉपिक अपना क्या, क्लास और ऑब्जेक्ट, तो क्लास तो यही है। अब क्लास को ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होता है, देखो क्लास यहां पे टर्मिनेट हो रही है,
क्लास यहां पे डेफिनेट है, अभी क्लास के अंदर भी हमने मेंबर वेरिएबल का यूज किया है। अब इन मेंबर वेरिएबल का जो यूज है, देखो प्राइवेट में हम जाएंगे प्रोटेक्टेड में नहीं जा सकते, तो पब्लिक वाले को तो यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर का क्लास में जैसे ऐसे मान लीजिए एक टीचर वो पब्लिक को बाहर जा सकता है, स्टूडेंट प्राइवेट का कोई नहीं है। अब जो भी से कोई आदमी आता है लाने के लिए, अब जो भी आएगा वो स्कूल में ही होगा, अपनी स्कूल के अलावा कोई दूसरे का जाना तो थोड़ा सा होगा नहीं जा सकता। अपनी स्कूल का है, अपनी स्कूल का मतलब अपना ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का एक मेंबर है, वो स्कूल का मेंबर है, जैसे ग्रुप है। अब ग्रुप में आपने सारे चीज रखे हुए हैं और उनको एक क्लास में रखा है। अब इधर से विजिटेबल क्लास है, विजिटेबल सारे चीजें, तो ग्रुप विजिटेबल नहीं जा सकता और विजिटेबल वाली ग्रुप में नहीं आ सकते, ठीक है। यानी जिसका वो क्लास का मेंबर है उस मेंबर को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब फर्नीचर में जो टेबल है, डेस्क है, ये सब क्या है? उसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस क्लास में कौन जा सकता है? उसका मेंबर या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कौन है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की घोषणा करते हैं, ऑब्जेक्ट रिपोर्ट डिक्लेयर करते हैं। कैसे होती है? तो देखो एबीसी लिखा, अब आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा, अब इंटीजर टाइप में ए लिखा, बी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। ए इंटीजर लिखा कितने भी आप बना सकते हो इसके वेरिएबल। तो वैसे मैं एबीसी मैंने यहाँ लिखा एबीसी, ठीक है, एबीसी लिखा। अब एबीसी का कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओबीजे। ऑब्जेक्ट तो हम ओबीजे से नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क जैसा आप काम कर रहे हो वैसा लिख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। बट इसके भी कुछ रूल होते हैं, क्योंकि आपने लास्ट के आइडेंटिफायर के रूल को रखे वो रूल का यूज करके लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा ए बी सी 10, ये नहीं हो सकता। ये कोई नंबर है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है, इनका यूज नहीं कर सकता, आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा ओबीजे। अब देखो मैंने डिक्लेयर किया OBJ के टाइप किस टाइप का है? एकिस टाइप का। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है? ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? क्लास के अंदर जाएगा और वहां पर जो पब्लिक है, पब्लिक प्लेस में जाएगा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के पास जाएगा और इसके अंदर जो भी मेंबर है उसको कॉल करेगा। कॉल करने के लिए इसके पास दो मेंबर होते हैं, डायरेक्ट मेंबर और इनडायरेक्ट मेंबर। डायरेक्ट मेंबर होता है आपका डॉट का साइन, इनडायरेक्ट मेंबर होता है एरो का साइन। डॉट का जो डायरेक्ट मेंबर का यूज किया जाएगा जब ऑब्जेक्ट आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर भी आपके इसमें नॉर्मल कौन से है? एबीसी नॉर्मल है, पर यहाँ पे पॉइंटर एयर आ गया तो पॉइंटर वेरिएबल हो गया ना। ऑब्जेक्ट के लिए भी पॉइंटर लग सकता है, ये भी एक वेरिएबल है। तो अगर मैं पॉइंटर का यूज करता हूँ और पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो आपको इनडायरेक्ट मेंबर यानी कि एरो का साइन का यूज करना है। बट यहाँ पे तो नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट डॉट। अब किसको कॉल कर रहे हैं? सी को, डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप दे सकते हैं ए, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉल। इससे पहले आपको वॉइड में लगाना है, वॉइड में तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो सी लैंग्वेज आप लोग जानते थे, सी लैंग्वेज में वॉइड में लिखते थे, फिर आप इंटीजर ए लिखते थे। बट इंटीजर किस का क्या गया? ए बी सी। इंटीजर तो ऑलरेडी माइंड था कि पहले से था, तो यहाँ नहीं करना है ए बी सी में। ए बी सी क्या है? यूजर डिफाइंड। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर आई। अब आपको पता है कि आई क्या है? वेरिएबल है। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब इंटीजर टाइप का वेरिएबल ये समझ में आया, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का है? अब इसमें आपको पता होगा कि आई के अंदर क्या आएगा? नंबर आएंगे, सबको पता है इंटीजर टाइप के नंबर आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में दो तो इंटीजर आ सकते हैं, एक कैरेक्टर आ सकता है, एक डबल आ सकता है, ये सारी वैल्यू आ सकती है ना इसमें, इस ऑब्जेक्ट में।
ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट ने प्राइवेट को कॉल किया और इसकी वैल्यू हमने यहां पर असाइन कर दी, ए से इसको इनिशियलाइज किया। यहां डबल डबल का डबल नहीं है, डेटा टाइप है डबल का डबल से नहीं आएंगे। देखो इंटीजर में जैसे नंबर आते हैं, कैरेक्टर में आपके कैरेक्टर आएंगे, इंटीजर में नंबर, वैसे डबल में भी नंबर ही आते हैं जो बड़ी साइज के नंबर होते हैं, जो आपको पढ़ना है जो साइज होते हैं वो डबल। ठीक है, तो आया समझ में ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेअर करें। नेक्स्ट, मेंबर फंक्शन को परिभाषित करना, मेंबर फंक्शन को डिफाइन टू मेंबर फंक्शन। तो ये तो था भी मेंबर वेरिएबल, क्या था मेंबर वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे मेंबर फंक्शन। एरो तब आता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट टाइप करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट टाइप करते हैं यूज करते हैं तब एरो का साइन आएगा, अदरवाइज जो भी है। अब ये नहीं भाई, ये दो मेंबर है, किसी भी मेंबर वेरिएबल को या फिर मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेंबर टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेंबर का यूज किया जाता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट का यूज किया जाता है जब पॉइंटेड टाइप ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आया, अच्छे से बोल समझा सकता हूं, दूसरा तरीका भी है। मैं पहले वाले एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि देखो एक वेरिएबल है इंटीजर ए और इंटीजर, यहां पर देखो दो वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है और एक पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है, और ये नॉर्मल वेरिएबल। अब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो अब इसकी जगह मैं लिख देता हूं एबीसी ओबीजे, और एबीसी ओबीजे। अब इनमें क्या डिफरेंस, देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। अब पॉइंटर ऑब्जेक्ट आप काम में लिखते हो तब तो यूज करना पड़ेगा इसका, इन दोनों के लिए यूज होगा ये वाला, इन दोनों के लिए यूज होगा। अब जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मैं एक प्रोग्रामिंग आपको सबके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम हम करते हैं। देखो यहां मैंने एबीसी क्लास में एक प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें कोई दो नंबर को प्लस किया गया, ठीक है, उसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे राइट राइट विल प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास, क्लास का यूज करते हुए दो नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम लिखे। तो मैं यहाँ पे एबीसी क्लास लेता हूँ और इस क्लास में यहाँ पर इंटीजर नंबर वन, दो नंबर को जोड़ रहे हैं ना, नंबर वन और नंबर टू, ठीक है, ये बने दो वेरिएबल ले, ठीक है। अब देखो कोई एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया ना, एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया, इंग्लिश ये क्या हो गए प्राइवेट हो गए ना, क्या हो गए प्राइवेट। तो फिर हम लिखते हैं इंटीजर नंबर वन, फिर लिखेंगे पब्लिक। अब एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया और इस एक्सेस मॉडिफायर में
मेरे को मेंबर वेरिएबल तो मैंने यहां पर लेते हैं, अब मेंबर फंक्शन का यूज करना है। तो मेंबर फंक्शन कैसे लिखते हैं, void और कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं get data। ये जो get data लिया हुआ है आप कुछ भी ले सकते हो, आप जरूरी नहीं कि ये आप की मर्जी से आप अपना नाम भी ले सकते हो। तो ये मैंने एक फंक्शन यूज किया public में, समझ गए। और फंक्शन को डिफाइन करना, अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे एक वेरिएबल और लेता हूं मैं यहां पर इंटीजर सम, क्या किया इंटीजर सम, और सम लेने के बाद में मैं यहां पे लिखता हूं सी इन, सी आउट लगा देते हैं पहले, सी आउट एंटर नंबर एंटर वैल्यू ऑफ नम वन एंड नम टू। यहां सीन करते हैं और जो ऊपर नम वन और नम टू की वैल्यू को क्या कर देते हैं सी इन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये वैल्यू इनपुट हो गई और जो सम आपने लिया है इसके अंदर नम वन को नम टू को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। और ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा फंक्शन लेते हैं। आप कितने भी फंक्शन यूज कर सकते हो, void get show, और इसमें मैं लिखता हूँ सी आउट सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, सम को मैंने यहां पर आउट कर, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं यहां पे क्लोज। अब देखो ये मैंने एक क्लास बना लिया, क्या बना लिया है प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब इस क्लास में और जो इससे पहले जो क्लास था इसमें क्या डिफरेंस है, कितने वेरिएबल डिक्लेअर किए मैंने, तो बाय डिफॉल्ट क्या है प्राइवेट, इन प्राइवेट को क्लास के आउटसाइड आप एक्सेस नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, पब्लिक के अंदर मैंने दो फंक्शन यूज किए हैं गेट डेटा और गेट शो, और क्लास के अंदर ही उन फंक्शन को डिफाइन कर दिया, गेट डेटा को डिफाइन यहां पे कर दिया, गेट शो को यहां पे। अब गेट डेटा के अंदर देखो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों क्या प्राइवेट है, बट क्लास के अंदर तो प्राइवेट का यूज कर ही सकते हैं ना, तो क्लास तो यहां पे बंद हो गई। तो क्लास के अंदर इस फंक्शन ने इनको कॉल कर लिया, इस फंक्शन ने इनको कॉल कर लिया। देखो कॉल किया, ये सबसे पहले इंटीजर एक और एक वेरिएबल हमने डिक्लेअर किया इंटीजर सम, फिर सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 और नंबर 2, जैसे नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को यहां पे क्या किया इनपुट किया, फिर सी इन जो नंबर 1 और नंबर 2 हमने किए थे ऊपर निकले उनकी वैल्यू यहां पर मैंने क्या किया है इनपुट करवा दी, नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू इनपुट हो गई। फिर नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को इनपुट जो की हुई वैल्यू है कीबोर्ड से उसको मैंने प्लस करके सम में स्टोर कर दिया। और दूसरे फंक्शन क्या कर रहा है, सम ऑफ टू नंबर ये स्ट्रिंग है और यहां से फिर मैंने दूसरी एक सम नाम का जो वेरिएबल था उसको जो वैल्यू इसके अंदर ट्रांसफर की थी उसको मैंने यहां से आउट कर, अब इसको कॉल करते हैं। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करते हैं, अब मेन प्रोग्राम अब स्टार्ट होगा। तो मेन प्रोग्राम के लिए क्या लिखेंगे, void main, void main। अब यहां पर void main के बाद में सबसे पहला काम होता है, जैसे c लैंग्वेज में इंटीजर a इंटीजर b ऐसे क्लियर करते हैं ना, यहां पर तो क्लास लेंगे, तो क्लास क्या है इंटीजर की, इंटीजर क्लास क्या है abc, तो मैं यहां लिखता हूं abc, एबीसी का क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो मैं ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये बना लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पब्लिक प्लेस में जाएगा और पब्लिक में क्या इसके पास दो फंक्शन, उन दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेंबर का यूज किया जाएगा और फंक्शन का नाम लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहां को ओबीजे
ठीक है, और फिर डॉट का साइन लगाओ। सबसे पहले कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, इसको या इसको? सबसे पता है गेट डेटा, तो गेट डेटा पर जाओ, गेट डेटा और फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, ये करेगा कॉल इसको, आया इसके ऊपर कंट्रोल, कंट्रोल आते ही सबसे पहले इसको रीड करेगा कि मेरे पास सम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा एंटर वैल्यू ऑफ नम एंड नम टू, इसको ऐसा क्या ऐसा स्क्रीन पर क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा दिया। फिर जो सीन इन, सीन क्या करता है कीबोर्ड से वैल्यू को जैसे स्कैन अप करते हैं ना वैल्यू को, तो नम वन और नम टू की वैल्यू को हमने क्या करवा दिया यहाँ पर इनपुट करवा दिया, फिर दोनों को जोड़ के सम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इस फंक्शन का पूरा काम हो गया, कॉल के से पूरा काम हो गया। अब इसको कॉल करते हैं तो वापस क्या लिखो, ओबीजे डॉट ये ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा, गेट शो को, तो लिखो गेट शो, ठीक है। अब इसको कॉल किया, अब इसको कॉल किया तो इसको ये मिला सम ऑफ टू नंबर और सम को आउट कर दिया, तो सम क्या था आपका जो भी नंबर जैसे 5 और 6 मिलते तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगा 11, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 11, ठीक है। और यहां लगा देते हैं गेट सीएच, अब प्रोग्राम का आपका चार लाइन में है लेकिन डेटा टाइप का देखो, हमने डेटा टाइप का इसमें पूरा काम होता है, डेटा टाइप को हमने डिफाइन किया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब इसमें ये आपको समझ में आना चाहिए कि आगे के जो चैप्टर है इसी प्रोग्राम पर डिपेंड होंगे, सारा सब कुछ इसी पे चलेगा। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया कि आप अच्छे से देखिए इसको, और आज हमने ये होमवर्क फिर एक प्रोग्राम आपको जमा करने के लिए तो कल के लिए आपको करना है, घर के लिए करके लिए क्या है लिखो, प्रश्न लिखो सेम ऐसे अब भी है तो कैसे राइट एक प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस लैंग्वेज राइट एक प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज to calculate simple interest using of class class का use करते हुए आपको साधारण ब्याज की गणना करनी है और इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है सिंपल, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको करके लिखना है और इस प्रोग्राम में आपको जो कुछ समझना पूछना है वो आप उससे लेके इसको लिखें और पूछें। ये वाले ये देखो क्या है, जब हम C++ में प्रिंटर का यूज करते थे और स्कैनर का, याद है क्या प्रिंटर का फंक्शन, प्रिंटर क्यों यूज किया जाता था, प्रिंट करना के लिए। तो सी लैंग्वेज में तो इनका क्योंकि ये फंक्शन थे और सी लैंग्वेज का फंक्शन है लैंग्वेज की, तो इनमें फंक्शन का यूज करते हैं। ये है ऑब्जेक्ट जो कि मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था चैप्टर नंबर 6 में, प्रिंटर की जगह यूज किया गया है सी आउट, स्कैनर की जगह यूज किया गया है सी बी, प्रिंटर अगर आपको करवाना है स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो सी आउट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये तो होते फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इनमें से यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ये होते हैं ऑपरेटर, ये क्या करते हैं सी आउट के सामने ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये क्या करता है आउट यानी इन इन इंसर्शन का मतलब ये होता है इन करना, तो इन कैसे करेगा, ये कंप्यूटर के अंदर जो चीज है उसको इन से लेके आएगा और वहां पर देगा एंडल का यूज ये है कि इस एंडल का यूज क्या होता है
यहाँ पर आप एंड का यूज करते थे, याद है क्या? एंड का मतलब नेक्स्ट लाइन, यहाँ होता है एंड लाइन। एंड लाइन की लाइन पूरी हो गई है, एंड लाइन यानी आगे की जो चीज है ना वो अगली लाइन से स्टार्ट हो गई, एक लाइन पूरी हो गई है। एंड यूज करते थे ना नेक्स्ट लाइन के लिए, इसी लाइन में यहाँ पे आएगा एंड लाइन। और पूछो, प्लस करने के बाद में रिजल्ट सम के अंदर आ गया भाई, जो भी नंबर हम प्लस करेंगे, नंबर नंबर टू वो हमने प्लस किया तो आप इसको गुणन के अंदर ये सम के अंदर सम को अपने आउट कर दिया वहां पर, ये कर का सी आउट सम। ओके अभी आप और कुछ पूछना है उसके बारे में?